बुधवार को साझा संस्कृति मंच के द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एवं ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन लद्दाख में सोनम वांगचुंग के क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में सौंपा गया, जिसमें उक्त आंदोलन की सभी मांगों को तत्काल पूरा किए जाने की अपील राष्ट्रपति महोदय से की गई। ज्ञात हो कि लद्दाख के नागरिक अपने पर्यावरण और राज्य को बचाने के लिए आंदोलित हैं। सोनम वांगचुंग 6 मार्च 2024 से कल 26 मार्च तक भूख हड़ताल पर बैठे रही, जिनके समर्थन में लद्दाख के 10,000 से अधिक नागरिक निरंतर सड़कों पर हैं। लद्दाख अपने जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। धारा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख को बड़े कॉर्पोरेट घरानों की लूट के लिए खोल दिया गया है, जिससे वहां के पर्यावरण पर बुरा असर हो रहा है तथा स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। इस आंदोलन की प्रमुख मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल किया जाए, राज्य में एक अलग लोक सेवा आयोग का गठन हो, लेह एवं कारगिल को अलग अलग जिला घोषित किया जाए। साथ ही यह आंदोलन लद्दाख को अनुसूची 6 के अंदर संरक्षण की मांग भी कर रहा है। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम जन्म वल्लभाचार्य पांडे, जागृति राही, अनूप श्रमिक, सिस्टम फ्लोरिड, नंदलाल मास्टर, इंदु पांडे, धनंजय, एकता, प्रदीप सिंह, अमृता, जनक नंदिनी, आनंद प्रकाश तिवारी, ओम प्रकाश, रमेश प्रसाद, मिथिलेश दुबे, राजकुमार पटेल, हेमंत यादव, राजकुमार गुप्ता समेत बनारस के अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत वो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लद्दाख को सभी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण मिले। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि लद्दाख के अंदर जो कारगिल और लद्दाख दो जिले हैं, उनको दो जिले के तौर पर चिन्हित किया जाए, दो जिले के तौर पर अलग अलग जिलों के तौर पर घोषित किया जाए। उस ज्ञापन में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये सब मांगे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साझा संस्कृति मंच ज्ञापन के मार्फत जो भी मांगे रख रहा है वो मांगे कोई नई मांगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाते वक्त यही सारे वायदे लद्दाख की जनता से किए थे।